करते इसको डीडीए एएसओ के एग्जाम में, यानी कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो एएसओ का असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का एग्जाम हो रहा है, तो उस एग्जाम में पहले शिफ्ट में जो डीके जिसके क्वेश्चन आए थे उनके उत्तर डिस्कस करते क्या कुछ क्वेश्चन थे क्या नहीं थे। तो देखिए ताजमहल का क्वेश्चन आया था, ताजमहल किसके द्वारा बनाया गया, तो शाहजहां के द्वारा बनाया गया, मुगल शासक शाहजहां के द्वारा अपनी बीवी मुमताज महल की याद में बनाया गया था। एज पर प्रधानमंत्री सेंसस यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार लिटरेसी रेट यानी कि भारत में साक्षरता दर कितनी है, यह है 74.04%। और आप मेरे कमेंट सेक्शन में बताइए कि सबसे ज्यादा साक्षरता दर किसके, सबसे कम साक्षरता दर किसकी है। अब मुस्लिम लीग की 906 में स्थापना की गई थी, किसका कहाँ की गई थी, और ढाका में की गई थी। ढाका क्या है, ढाका बांग्लादेश की राजधानी है, बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, और बांग्लादेश की जो करेंसी वो है टका टका। विच वन इज ए मार्कवुड बुक, तो मार्कवुड की जो पुस्तक वो बताना था, तो उसका आंसर है द वुड लाइफ, विनर ऑफ 2023। वो वाज द इसरो चीफ एज ऑन January 22, यानी कि January 2022 में इसरो का चीफ कौन था, वो थे के सिवान। तो जब चंद्रयान 2 जो मिशन अनसक्सेसफुल हुआ था, तो उस टाइम यही वो इसरो चीफ थे जिनसे मिलकर मतलब सांत्वना दी थी नरेंद्र मोदी ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने। अब की बार जो करंट इसरो चीफ है वो कौन है, वो है एस सोमनाथ। हॉटेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, भारत का सबसे गर्म स्टेट कौन सा, गर्म राज्य कौन सा, वो है राजस्थान। वैन फर्स्ट वर्ल्ड वार वाज फोर्ट, पहला विश्व युद्ध कब लड़ा गया था 1914 से 1918 तक पहला विश्व युद्ध लड़ा गया है। अब अगला देखते हैं, ऑथर ऑफ बुक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, अरुंधति रॉय के द्वारा लिखी गई है। फॉर विच बुक अरुंधति रॉय गॉट बुकर प्राइज इन 1997, अरुंधति रॉय को 1997 में कौन सा बुकर प्राइज मिला, किस पुस्तक के लिए बुकर प्राइज मिला था, तो इसी पुस्तक के लिए यानी कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए उनको बुकर प्राइज मिला था। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए कि अरविंद अडिग आपका आपने नाम सुना होगा, अरविंद अडिग, ठीक है, इसकी आप मेरे को 5 कोई सी भी पुस्तक के नाम बताइए कमेंट सेक्शन में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैं पूछ रहा हूँ, अब मैं बता रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक का मैं थोड़ा हिंट देता हूँ, टाइगर से रिलेटेड, एक सीता से रिलेटेड है, ठीक है। आप मेरे को 5 पुस्तकों के नाम बता दीजिए, लगातार इनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल हाउ मेनी लैंग्वेज आर क्लासिकल लैंग्वेज, इस समय कितनी भाषाएं क्लासिकल भाषा है, तो कुल 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला हुआ है। तो ये कुछ क्वेश्चन है कि DDASO के एग्जाम में पहली शिफ्ट में पूछेंगे 26 सितंबर को। उम्मीद करता हूँ आप वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।